मैं वही सोचू कि अभी आप इतना लेट जाओगे तो अंधेरा हो जाएगा आते आते आपको। हम सेटअप लाए हैं पूरा। सही है सही है, पूरा सेटअप। ये देखो भाई ऐसे ऑफ रोडिंग रस्ते है, अभी हम जा रहे हैं राजमाची फोर्ट के फुट हिल तक। तो यात्रा रहती है, उस यात्रा में वो बकरी काटते हैं, यहाँ पर सामने देख रहे हो ना, तो वहाँ पर बकरी काटते हैं। अभी हिंदुइज्म में बकरी काट रहे हैं, मैं थोड़ा शॉक हो गया। दो हत्ती है और ये कौन सा तो भगवान है, अभी कौन से भगवान है मेरे को पता नहीं है। और जो पीछे का नजारा है ना ये देखो बॉस, वाह क्या ही नजारा है। और यहाँ का जो वाटरफॉल है ना वो इतना मस्त दिख रहा है ना। कभी भी टाइम मिले तो सह्याद्री पे आ जाओ, सैर करो और जिंदगी ऐसे ही एक्सप्लोर करते रहो। थैंक यू। महादेव महादेव। हाय हेलो नमस्कार, स्वागत करता हूँ आप सबका और एक नए व्लॉग में। तो आज मैं अपने एक जूनियर कॉलेज के दोस्त के साथ जाने वाला हूँ कटालदार वाटरफॉल, है ना, कटालदार वाटरफॉल। और राजमाची का क्या प्लान है, उधर जाने की नहीं जाने ना, उधर भी जाना। ये बहुत शर्मा रहा है, मतलब फर्स्ट टाइम में बोल तो ऐसे रहे कि हम कुछ और करने वाले। वैसे मैं अभी जस्ट एमबी वैली का जो व्लॉग है ना वो एडिट करके डाल दिया है, तो अगर आपने नहीं देखा ना तो ज़रूर देखना। यहाँ पर मैं आई बटन में डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल रखूंगा। इस व्लॉग के बाद वो ज़रूर चेकआउट करना क्योंकि भाई रात भर जग के एडिट किया है, तो देख लेना। भाई यहाँ का जो ऑफ रोडिंग है ना वो बहुत ही गंदा है, मतलब कुछ पैचेस तो ऐसे थे कि वहाँ पर मतलब सब लिटरली उतर रहे थे और तभी गाड़ियाँ चढ़ रही थी, मतलब इतना गंदा है। और स्लिप तो भाई इतनी गाड़ियाँ हो रही है ना, मेरे को तो डर लग रहा था कि भाई अभी गिरेंगे, नहीं अभी गिरेंगे। भाई ऐसे गंदे रोड से यहाँ पे भाई फाइनली काफ़ी टाइम बाद जो ऑफ रोडिंग है वो खत्म हो गई और अच्छा वाला मतलब पक्का जो रास्ता है वो शुरू हो गया। फिर भी ऐसे कुछ अभी बीच बीच में खड्डे जो पॉट होल से वो दिख रहे हैं हमें। ये व्यू देखो भाई, ये देखो भाई ऐसे ऑफ रोडिंग रास्ते है, अभी हम जा रहे हैं राजमाची फोर्ट के फुट हिल तक, तो उसके बाद ट्रैक रहेगा। मतलब ऐसे बार बार आपको उतरना पड़ेगा अगर आपकी बाइक है जो ड्राइवर है उसको कॉन्फिडेंस नहीं है, तो हमारे भाई को तो है कॉन्फिडेंस तो चला लेता है काफ़ी हद तक, बट काफ़ी मुश्किल पैच आ जाते तो इसीलिए नहीं हो पाता उससे भी कभी बार। तो कटालदार भी यहाँ से पास में ही है, तो अगर आपको राजमाची फोर्ट के फुटहिल तक जाना है ना तो ₹50 टिकट है। कटालदार अगर जाना है तो उसकी पार्किंग पता नहीं मेरे को कितनी है, पर हमको तो 50 लिया, तो जो हमने ₹50 दिया ना उसके बाद तो एक भी हमें बाइक एक भी गाड़ी नहीं दिखी, खाली एक जीप नहीं कार दिखी थी, उसके बाद तो कुछ दिखा ही नहीं, फुल खाली रास्ता, खाली हम लोग है। समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों है। इतने देर से इतने सारे बाइक्स थे हमारे साथ, इतनी स्कूटी थी और अभी कोई नहीं है। पर जो यहाँ का नज़ारा ना आप देख सकते हो, पूरा ये जो पहाड़ है ना इस पे पूरे ऐसे बादल आ गए, तो ये व्यू काफ़ी अच्छा है। और यहाँ से ना वाटरफॉल का ऐसे ज़ोर से आवाज़ आ रहा है, आई गेस वो कटालदार का ही रहेगा। और यहाँ पर पीछे भी ऐसे दो वाटरफॉल्स बह रहे हैं, भी खाली 1 किलोमीटर बचा। और जो ऑफ रूटिंग है ना भाई बहुत बहुत ही ज़्यादा गंदा है, मतलब रेनी सीजन में तो भाई अगर आप अवॉइड कर सकते हो तो अवॉइड ही करना, तो मैं स्कूटी से बोल रहा हूँ, स्कूटी या फिर बाइक से। और यहाँ पर एक छोटी सी ऐसे टपरी का काइंड ऑफ थिंग है, तो यहाँ पर हमने चाय बोलिए दो। और जो पीछे का नज़ारा है ना ये देखो बॉस, वाह क्या ही नज़ारा है। और यहाँ का जो वाटरफॉल है ना वो इतना मस्त दिख रहा है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। और यहाँ से सामने मेरे को ये किला भी दिख रहा है, किले राजमाची इसको बोलते हैं।
अभी हमने ट्रैक चालू कर दिया है, और ट्रैक चालू करते ही ना हमें यहाँ पर काफी सारा कूड़ा देखने को मिला। मतलब हर कोई बोलता ही है, पर मैं भी इस व्लॉग के थ्रू बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि भाई अगर आ रहे हो ना ट्रैक को, तो भाई अपना जो कचरा है ना, आपका जो मूल्यवान कचरा है ना, वो आपके साथ ही लेके जाओ। देखिए इस मासूम से चेहरे को, एक तो मैं ही, मेरा पैर ठीक नहीं हुआ, ऊपर से मैं मोटा हो गया हूँ। मोटा नहीं, ये पहला ट्रैक है जो मैं कर रहा हूँ। मतलब जो एक्चुअल फोर्ट का ट्रैक रहता ना, वो पहला है। इसके पहले मैंने ट्रैक किया ही नहीं है एक्सीडेंट के बाद। तो अगर ये ट्रैक कंप्लीट होता है ना मेरे से, तो भाई कॉन्फिडेंस आ जाएगा मुझ में कि हाँ भाई अभी थोड़ा तो मैं कर सकता हूँ ट्रैकिंग वगैरह। इसलिए तो तुझे लेके आया मैं, पता था खा पी के सांड हो गए। देखो इसकी कंडीशन ऐसी बेकार होगी कि इसकी खुद के शूज भी बांधना नहीं आ रहा है। अभी का जो ये रास्ता है ना, वो एकदम मतलब अच्छी तरीके से कंस्ट्रक्ट किया है। ये तो अभी तक का जो रास्ता था वो पूरा कच्चा था। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में हमें ये केव लग गया है, जस्ट ट्रैक चालू किया है, जो मेन कंस्ट्रक्ट किया हुआ रोड है। तो वहां पे हमें ये काइंड ऑफ गुफा ही दिखी है। आदित्य जाके आया तो उसको एक अंदर से वटवागुल बाहर आते हुए दिखा। तो अभी हम भी जाते हैं, मैं भी थोड़ा डर रहा हूँ। आदित्य बोला कि शायद से ये शिव मंदिर भी हो सकता है। ये देखो अंदर चलते, ये पूरा अंधेरा है, अब आ रहा है अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर पहली ऐसा जो गुफा है उसमें तो पूरा पानी इकट्ठा हुआ है। अभी आपको दिख नहीं रहा होगा, हमें भी दिख नहीं रहा नेकेड आई से। यहाँ पे मंदिर तो नहीं है ये, पर यहाँ पर पूरा पानी सैचुरेट हो गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हो मेरी आवाज़ तो काफ़ी गूंज रही है। और यहाँ पर ये जो आप देख सकते हो ना, ये जो वटवागुड़ रहता है, जो बैट रहता है, तो उनका ये घर है। और ये तीसरी गुफा में जाके देखते तो यहाँ पे भी पानी इकट्ठा हुआ है, पर यहाँ पर का जो एरिया है ना, वो काफी ज्यादा वास्ट है। बट अभी आई एम श्योर कि अभी समर सीजन में इसके अंदर जरूर जा सकते हैं। तो यहाँ पे हमें ना एक ऐसा पत्थर दिखा, ऐसे ये जो ये ऊपर का जो कार्फ है ना, वो लग रहा है कि उसके आईब्रोज है, ये आंखें है, ये नाक है, और ये मुंह लग रहा है। तो हम तो गेस नहीं कर पाए कि कौन सा मतलब फेस बनता है, मतलब कौन से इंसान से या फिर भगवान से रिसेम्बल करता है, कोई आइडिया नहीं है। आपको पता होगा तो कमेंट में जरूर बता सकते हो आप। हमें यहाँ पर एक पीछे मंदिर दिखा है, और जहाँ तक मैं ये देख सकता हूँ ना, सब यहाँ पर पत्थर पड़े, यहाँ पर कुछ पिलर्स है, यहाँ पर कुछ स्टैचूज पड़े, तो इनको देख के लगता है कि जो मंदिर के जो अवशेष है ना, वो बच्चे है। तो सबसे पहले यहाँ पर तो एक घोड़े की मूर्ति है, ये देखो ये घोड़े की मूर्ति है। उसके बाद यहाँ पे ऐसे दो पिलर्स है, उसके बाद यहाँ पर पता नहीं क्या है, ऐसे मतलब काइंड ऑफ वो स्टोर करने के लिए कुछ तो है, या फिर शायद से तुलसी का ये कुछ तो जो होता है ना, तुलसी वृंदावन, वो है आई गेस, शायद से लग रहा है मुझे। एक घोड़े की मूर्ति, यहाँ पे दो हत्ती है, और ये कौन सा तो भगवान है, अभी कौन से भगवान है मेरे को पता नहीं है। मतलब कुछ पता नहीं चल रहा है, क्योंकि पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया है। और यहाँ पर जो भी मूर्ति है ना, ये भी शायद से टूटी हुई है, और क्योंकि इस पे रंग लगाए तो इसीलिए लग रहा है कि कोई तो भगवान का वाहन है। तो थोड़ा अभी इसके अंदर चलते। तो यहाँ पर हमें एक आजोबा मिले, तो वो बोले कि ये काल भैरव जी का मंदिर है, और उनकी कोई तो यात्रा रहती है, उस यात्रा में वो बकरी काटते हैं। यहाँ पर सामने देख रहे हो ना, तो वहाँ पर बकरी काटते। अभी हिंदुइज्म में बकरी काट रहे हैं, मैं थोड़ा शॉक हो गया। और वो आजोबा भी बोले कि ये जो मंदिर है ना, उसके अवशेष बचे हैं। देवराज सेव्यमान पावनांघ्रि पंकजम व्याल यज्ञ सूत्रमिन्दु शेखरम कृपाकरम नारदादि योगी वृंदवंदितम दिगंबरम काशिकापुराधिनाथ काल भैरवम भजे।
भास्वरं भवाभ्युतारकं परं नीलकण्ठमिप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाशमक्षशूलमक्षरम्। यहाँ पे एक टोप भी रखी है। तो अभी हम ऑलमोस्ट पहुंच गए, पर और एक पैच बचा है और मेरी मतलब हालत भाई ख़राब हो गई है। और पूरा यहाँ पर बादल बादल हो गए, पूरा व्यू ढक गया है, कुछ दिख नहीं रहा। और काफ़ी कुछ दिखाने लायक था बीच में, जैसे कि एक काफ़ी डिफ़िकल्ट पैच था चढ़ने के लिए, वो मैंने शूट नहीं किया। उसके बाद जो एंट्रेंस है वो मैंने शूट नहीं किया, पर मेरे पास अगर क्लिप्स रहेगी, अगर आदित्य ने वो शूट किया होगा क्लिप्स, तो वो यहाँ पर डाल दूंगा। और यहाँ पे भी जो हमने स्टार्टिंग में केव दिखा था ना, वैसा ही यहाँ पर एक केव है। और थोड़ा बाकी ऊपर चलना, मैं सोच रहा था कि इधर ही रुक जाता हूँ, पर अभी आ ही गया हूँ तो टॉप तक जाऊँगा। भाई अभी हम आ गए हैं टॉप पे, और थोड़ा बचा है वो भगवे झंडे तक मैं जाऊँगा। आदित्य जाके आया है, आदित्य ने एक्चुअली उधर वो जो क्या बोलते, मैं भूल गया इसका नाम, तटबंदी बोलते शायद इसको, तटबंदी के उधर गया है। और तटबंदी से ना जो वाटरफॉल है ना, कटालदार वाटरफॉल, वो काफ़ी अच्छी तरीके से दिखता है। और तो भाई काफ़ी अच्छा आराम कर लिया, आधा घंटा मैंने आराम कर लिया और ऐसा लग रहा है भाई जन्नत में आया हूँ मैं। थोड़ा छत्रपति शिवाजी महाराज के जो गाने ना, वो भी थोड़े लगा के एंजॉय किया मैं। अभी इधर नहीं लगाऊंगा क्योंकि फिर कॉपीराइट लगेगा। बाकी मतलब जब भी हमेशा मैं सह्याद्री में आता हूँ ना, तो एक्चुअली मेरे को हमेशा वो अमेज करता ही रहता है। तो आप ये पूरा जो नीचे वैली देख सकते हो ना, ये पूरा कवर करके आए हैं, और बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा कि इतना कवर करके आए। मतलब मैं तो आधा छोड़ के जाने वाला था, पर कैसे तो करके कंप्लीट कर दिया ये। और ये सबसे टॉप पॉइंट है, यहाँ पर भगवा झंडा है, और यहाँ पर पूरे पीछे बादल आ गए। मेरे जैसे ही कुछ यहाँ पर ट्रेकर्स मेरे को मिल गए, और उनसे थोड़ा पूछते कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहता है। सबसे पहले हमारे साथ है ये भैया, भैया आपका नाम क्या है? प्रीतम, प्रीतम चौधरी। और आप कहाँ से हो? हम वांगी से, करमा डिस्ट्रिक्ट से, करमा तालुका से। तो आपका मतलब एक्सपीरियंस कैसा रहा? हाँ, बहुत अच्छा लगा। जब वो हम ऊपर तरफ से आ रहे थे, वो बादल जरा जा रहे थे, हाँ। उसमें जो ठंडे हवा लग रही थी ना, तो बहुत अच्छा फील हो रहा था। क्योंकि जब आप सह्याद्री पे सैर करने को आते हैं ना, हाँ। तब आप बिल्कुल खुश हो जाते हैं बादल वो देख के, वाटरफॉल देख के। तो मेरे आपसे गुजारिश है कि आप ही कभी भी टाइम मिले तो सह्याद्री पे आ जाओ, सैर करो और जिंदगी ऐसे ही एक्सप्लोर करते रहो। थैंक यू। महादेव, महादेव। तो यहाँ पे चोर दरवाजा एकदम नीचे से ऐसे जाके, मैं तो नहीं जा रहा बाबा, मैं तो थक गया। बारिश चालू हो गई थी तो वो शेड के लिए यहाँ पर बैठा था। अभी बारिश तो रुक गई है, तो जो कालू बोल रहा हूँ मैं, कटालदार वाटरफॉल का जो व्यू है ना यहाँ से आता है, वो देखते हैं। मैं तटबंदी पे आ चुका हूँ, और यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमने वो पार्किंग से देखा था ना वाटरफॉल, कटालदार वाटरफॉल, वो यहाँ से वो मतलब हमें टॉप व्यू मिल रहा है, तो काफी अच्छा लग रहा है। और जो पूरा जो ट्रैक है ना, जो वाटरफॉल तक जाने के लिए लगता है, वो पूरा ट्रैक यहाँ पर दिख रहा है मुझे। और जहाँ पर हमने पार्किंग की थी ना, वो भी जगह मेरे को दिख रही है यहाँ से ऊपर से। अभी कुछ नहीं, यहाँ से यहाँ का जो व्यू है ना, वो पूरा पैसा वसूल है। और इसके ठीक नीचे वो चोर दरवाजा जहाँ पर मैं अभी बैठा था, और काफी लोग थे, अभी सब चले गए। बेसिकली आप ये जो येलो कलर का देख सकते हो ना पत्थर के ऊपर, तो ये जो मतलब जो भी मटेरियल है वो चूना और गुड़ मतलब जैगरी रहता है ना, उससे बनाया है। तो इस चीज के कारण ही, इस मटेरियल के कारण ही जो आप भी सारे जो स्ट्रक्चर देख सकते हो ना, वो अभी भी इतने साल से टिके हुए है। तो मतलब अभी देख सकते हो कि कितना इसमें पावर है। नहीं तो हमारे आजकल के कंस्ट्रक्शंस को देखो कि बनाए नहीं कि 6 महीने में खराब हो जाते हैं।
ये जो स्टेयर्स है ना वो चालू हो गए, मतलब उतरते समय पर्सनली मेरे को तो काफी दम लग गया, मेरे तो हाथ में भी थोड़ा सा लगा है, मतलब बहुत स्लिपरी है। और उतरते समय मेरा रोड के लिए उसको पूरा 20 मिनट लगा है, मेरा पैर मतलब ऐसे थर थर रहे थे ना, मतलब ऐसे मैं अगर रुकता नहीं ना बीच बीच में तो चला जाता नीचे। पर्सनली मेरे को तो काफी दिक्कत हुई। अभी ये जो पक्का रास्ता चालू हुआ है उसको तो इतना टाइम नहीं लगेगा एज कम्पेयर टू ये वाला रास्ता। ट्रैक तो खत्म हो गया, आदित्य तो चला गया आगे, मैं बैठ गया था क्योंकि मेरा पैर बहुत दर्द करने लग गया। और जैसे मैं जा रहा था वापस तो यहाँ पर कुछ ऐसे दोस्त मिल गए हमें, तो आप सबका नाम बता सकते हो एक एक करके? अजीत तिवारी। अजीत तिवारी ये वैसे यूट्यूबर है, तो थोड़ी बहुत यूट्यूब की बात कर ली। तुषार कटका। आपका? अभिषेक जाधव। जय पाटिल। शिव जगदाले। ज्ञान सागर करे। शुभम मेटे। और अब कहाँ से हो, मतलब? बारामती। पुणे। बारामती। सब बारामती से? सब बारामती। अच्छा, तो बारामती से आप सुबह निकले? नहीं नहीं, हम पुणे में कॉलेज कर दे। अच्छा, कॉलेज के अभी वीकेंड था, वीकेंड सॉरी वीकडेज थे, अभी एग्जाम वगैरह खत्म हुए थे। अच्छा, तो बाकी आप अभी अभी शुरू करोगे ना? हाँ, शुरू करेंगे। हमारा आपको स्टे करेंगे, स्टे करेंगे कैंपिंग। हाँ, कैंपिंग करेंगे। सही बात, मतलब आप लाए हो सब सेटअप? सब लाए। सही है, मैं वही सोचू कि अभी आप इतना लेट जाओगे तो अंधेरा हो जाएगा। हम सेटअप लाए पूरा। सही है, सही है, पूरा सेटअप है, सिर्फ गैस नहीं है हमारे पास। अच्छा, तो आप सबसे काफी अच्छा लगा मिलके और थैंक यू मेरे ब्लॉग में आने के लिए। थैंक यू हमें। तो भाई अभी जा रहे सीधा पार्किंग पे और उधर से निकलेंगे डायरेक्ट हाईवे पे। तो मुझे लगता है आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही रखना चाहिए। ये देख रहे हो भाई रास्ता कितना खराब है, मतलब भाई आप एक तो चल के आओ या फिर बाइक स्कूटी जो भी ला रहे हो ना, बहुत बहुत ज़्यादा रिस्की है। मतलब ऐसे मैं अगर स्कूटी लाता ना तो 10-15 बार तो गिर जाता और 50-100 हड्डी तो आराम से टूट जाती, इतना ये डेंजरस है। तो बाइक पे भी थोड़ा रिस्की है पर वो मैनेजेबल है, और कार जीप हो गया वो एकदम परफेक्ट है ऐसे रोड के लिए। या फिर आप ट्रैकिंग के शौकीन हो तो चल के भी आ सकते हो, बट काफ़ी लंबा ट्रैक आपको पड़ेगा, बहुत मुश्किल हो रही है भाई चलने को। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, उसने गाड़ी तो तैयार रखी है, जैसे मैं उधर पहुँचूंगा तो डायरेक्ट गाड़ी पर बैठेंगे। तो अगर आपको मेरे बाकी के फोर्ट्स के ब्लॉग देखने ना आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो, और अगर आपको मेरे पुणे के बाकी के ट्रैवल वीडियोस देखने तो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगले व्लॉग में, टिल देन चैतन्य पिंपुटकर साइनिंग ऑफ।